जी डियर स्टूडेंट, हमने मल्टीमीडिया की डिफरेंट एप्लीकेशन को डिस्कस करना शुरू किया हुआ था। तो अब इसके में फर्दर हम आगे मूव करते हैं। हमारे पास है रिमोट रोबोटिक एजेंट्स। आप डिफरेंट जो रोबोट्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए आप एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप रोबोट को जो है वो इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि वो ये काम करे, और साथ में आप उसकी कैमरा के व्यू को भी देख रहे होते हैं। साथ में आप उसके ग्राफिकल व्यू, जो कि आपका एनवायरनमेंट का व्यू होता है, उसको देख रहे होते हैं। साथ में वो जो भी वॉइस लिसन कर रहा होता है, आप उसको सुन रहे होते हैं। तो इस तरीके से आप एक रोबोट को रिमोटली एक्सेस करने के लिए एप्लीकेशन यूज़ करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो उसकी एप्लीकेशन होगी, आप उसको कहेंगे वो आपके पास क्या है, मल्टीमीडिया की एप्लीकेशन है। इसी तरीके से आपके टास्क एजेंट जो है, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। टास्क एजेंट जो है, आपके फिजिकल रोबोट्स नहीं होते, ये आपके पास सॉफ्ट रोबोट्स होते हैं। तो ये सॉफ्ट रोबोट्स क्या करते हैं कि आपको कोई मल्टीमीडिया के कंटेंट की ज़रूरत है और उसके मुताबिक आपको नहीं पता, तो आप जो है वो टास्क एजेंट के जिम्मे काम लगाते हैं कि वो आपको एक मल्टीमीडिया का कंटेंट जो है वो फाइंड आउट करके दे, और वो इंटरनेट पे जो है वो सर्च आउट करके कोई पर्टिकुलर लोकेशन से, साइट से जो है वो आपके कंटेंट जो है वो ला के देता है, जो मल्टीमीडिया कंटेंट या मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट होता है। तो उस तरीके से आपके ये जो एप्लीकेशन है, आपकी मल्टीमीडिया रिसोर्स को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो इसको भी आप कहेंगे कि मल्टीमीडिया की एप्लीकेशन है। इसके अलावा एक बहुत वास्टली यूज होने वाला एरिया आपके पास वर्चुअल रियलिटी है। अब वर्चुअल रियलिटी के अंदर आप जो है वो एक अनरियल या कंप्यूटर ग्राफिक जनरेटेड एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। उसमें एक्चुअल या फिजिकल ऑब्जेक्ट्स तो नहीं होते, लेकिन उसके साथ इंटरेक्ट करने वाला जो यूज़र है वो ऐसे बिहेव करता है कि वो चीज़ या वो इन्वायरमेंट जो है वो रियल में एग्जिस्ट करता है। तो वर्चुअल रियलिटी जो है वो एक प्योरली आपकी एक ऐसी फील्ड है जो कि मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी के अंदर शामिल होती है, जिसके अंदर आप जो है वो डिफरेंट वीडियोस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसमें आप डिफरेंट इमेजेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसके अलावा आप उसके अंदर डिफरेंट ऑडियोज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये आपके पास एक और एप्लीकेशन है मल्टीमीडिया की। अब इसके बाद हम बात करते हैं इंटरटेनमेंट में यूज होने वाले मल्टीमीडिया। तो अगर इंटरटेनमेंट की ही बात करें, और मैं इसको आपकी मूवीज के लिहाज से बात करूं, तो आपकी जो मूवीज हैं उसके अंदर आपके पास वीडियोज भी होती हैं, उसके अंदर जो है वो टेक्स्ट का भी इस्तेमाल हो रहा होता है, साथ में ऑडियो भी होती है। तो मूवीज तो जस्ट आपके पास जो है वो एक कंप्लीट डिटेल या आपके पास सिंपलीफाइड एक मल्टीमीडिया प्रोडक्ट होती है। इसके अलावा आप गेम्स खेलते हैं, गेम्स के अंदर आप जो है वो ग्राफिक्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आप वीडियोस वगैरह का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आप ऑडियो का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आपको टेक्स्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इस तरह से ये सारी की सारी चीज़ें कंबाइन हो किया है, आपकी एप्लीकेशन जो आपको कम्युनिकेट करवा रही होती है, तो ये भी आपका इंटरटेनमेंट जो है उसमें शामिल है, और इसको आप कहेंगे कि ये आपकी मल्टीमीडिया एप्लीकेशन है। इसके बाद हम यहाँ पे डिजिटल टेलीविजन की बात करते हैं। तो डिजिटल टेलीविजन जो है वो एक ऐसी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा होता है जो कि आपके डिफरेंट रिसोर्सेज को मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है, जिसमें आप जो है ऑनलाइन साइट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी केबल चैनल वगैरह, सेटेलाइट चैनल वगैरह, आप उनको वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिफरेंट एप्लीकेशन वगैरह उसमें इंस्टॉल वगैरह कर सकते हैं। तो वो आपकी पूरी की पूरी जो आपकी डिजिटल टेलीविजन है, उसकी जो एप्लीकेशन है, वो आपके पास मल्टीमीडिया की एप्लीकेशन कंसीडर होती है। फिर आपके पास एक और एरिया है जिसे हम कहते हैं वीडियो ऑन डिमांड, जिसमें आप डिफरेंट साइट्स पे आपको वीडियोस अवेलेबल होती हैं, आप उन वीडियो को एक्सेस करके, डाउनलोड वगैरह करके या ऑनलाइन जो है उसको व्यू कर लेते हैं। तो ये आपको वीडियो ऑन डिमांड कहलाती है। तो इसमें आपकी जो वीडियोस हैं, इसमें आपकी ऑडियो और वीडियो दोनों शामिल होती हैं, तो इसलिए हम उसे कहेंगे ये आपके पास मल्टीमीडिया की एप्लीकेशन है। फिर इसके बाद हमारे पास वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरेक्टिव गेम्स हैं। तो गेम्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तो जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये है कि जो आपके ऑनलाइन डिफरेंट प्लेयर एक साथ जो गेम प्ले करते हैं, उसको हम वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरेक्टिव गेम्स कहते हैं। तो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरेक्टिव गेम भी आपके पास एक एग्जाम्पल है मल्टीमीडिया एप्लीकेशन की। और इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं इंटरेक्टिव टेलीविजन की। तो आपने अक्सर ऐसे टेलीविजन को बारे में जो है वो देखा होगा, जिसमें यूज़र जो है वो किसी पार्ट को, किसी
मूवी को किसी ड्रामा को जो है वो रिकॉर्ड कर लेता है, उसके साथ आप उसको सेव कर सकते हैं और उसमें आप जो है वो डिफरेंट चीज़ें उसमें प्लेस कर सकते हैं, तो वो आपके पास इंटरेक्टिव टेलीविजन होंगे। तो डियर स्टूडेंट, हमने इस वीक के अंदर क्या काम किया ज़रा उसको एक ओवरव्यू लेते हैं। हमने यहाँ पे देखा कि हमें मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजीज के कोर्स के अंदर क्या क्या कंटेंट्स को कवर करना है। हमने एवेल्यूएशन क्राइटेरिया को थोड़ा सा ओवरव्यू कर लिया, फिर हमने मल्टीमीडिया का जो कंटेंट है उसको स्टार्ट किया और अंडरस्टैंड किया कि मल्टीमीडिया क्या होता है। फिर हमने देखा कि मल्टीमीडिया की डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज का क्या मतलब है, उसके क्या इस्तेमाल हो रहा है। फिर हमने मल्टीमीडिया की डिफरेंट एप्लीकेशन देखी ताकि ज़रा हमें एक वास्ट एरिया आइडिया हो जाए कि आपकी मल्टीमीडिया कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। हमने यहाँ पे जो एप्लीकेशन देखी है यही काफ़ी नहीं है, इसके अलावा और बहुत सारे एरिया जो है उसके अंदर मल्टीमीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये सारी एप्लीकेशन जो हमने देखी है इससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि आपके बहुत ज़्यादा एरिया के अंदर आपके मल्टीमीडिया का इस्तेमाल होता है। ओके स्टूडेंट, हम यहाँ पे अपने लेक्चर को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसके अंदर हम मल्टीमीडिया टीम के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीक के वीडियोस के साथ हम मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।